डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर जुल्फिकार अली शाह एंड यू आर वाचिंग सिविल 143 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज स्केल्स। ये टॉपिक आपके टैप्टा कोर्स आउटलाइन के सीरियल नंबर 2.2 पे गिवन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं स्केल्स क्या है। आपने आज से पहले स्केल्स का नाम सुना होगा, स्केल आपने इस्तेमाल भी किए होंगे। तो स्केल का नाम सुनते ही आपके पास एक आपके जहन में जो चीज़ आएगी वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लाइन लगाने के लिए आप यूज़ करते रहे हैं। अब चूंकि आप एक टेक्निकल कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है, तो इस कोर्स में या टेक्निकल लैंग्वेज में या इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में स्केल्स के मीनिंग ज़रा डिफरेंट है। स्केल आप बतौर लाइन लगाने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते रहे, जिसे आप उर्दू में पैमाना भी कहते थे, लेकिन यहाँ पे स्केल किसी और चीज़ को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्केल की डेफिनेशन क्या है। इन एन इंजीनियर्स लैंग्वेज, scale means the proportion or ratio between the dimensions adopted for the drawing and the corresponding dimension of the object. तो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में स्केल क्या है? एक प्रोपोर्शन है, या इसे आप रेशियो कह सकते हैं। किसके दरमियान? द डायमेंशन अडॉप्टेड फॉर द ड्राइंग, कि ड्राइंग के लिए जो आपने डायमेंशन अडॉप्ट की हैं, कोई स्केच बनाने के लिए, कोई शेप बनाने के लिए जो आपने डायमेंशन अडॉप्ट की हैं, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसकी जो रियल डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की, उन दोनों डायमेंशन के दरमियान रेशियो को स्केल कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्केल बेसिकली यहाँ पे आप क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन को या रेशियो को बिटवीन द डायमेंशन अडॉप्टेड फॉर द ड्राइंग एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाई स्केल्स आर यूज्ड? तो स्टूडेंट्स, हमें क्यों जरूरत पेश आती है स्केल को यूज करने की? तो उसके रीजन हम देखते हैं। अगर आपने एक रूम को आपने ड्रा करना है एक ड्राइंग शीट के ऊपर, तो रूम की डायमेंशन है 10 मीटर बाय 8 मीटर। तो अब आप देखते हैं कि आपकी जो शीट का साइज है वो तो मीटर्स में नहीं होता, ठीक है? आप एक शीट के ऊपर 10 मीटर या 8 मीटर की डायमेंशन ड्रा नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस्ड डिस्टेंस को यूज करते हुए या रिड्यूस्ड लेंथ को यूज करते हुए आप वो रूम को ड्रा करेंगे। तो देखते हैं कि द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द रूम, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर बाय 8 मीटर, कैनॉट बी अडॉप्टेड ऑन द ड्राइंग। तो रूम की आपने ड्राइंग बनानी है, तो उसका एक्चुअल साइज आप अडॉप्ट करके ड्राइंग नहीं बना सकते। इन सूटेबल प्रोपोर्शन द डायमेंशन आर रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू अडॉप्ट conveniently on the drawing sheet। तो किसी एक मुनासिब proportion से या scale से आप dimension को reduce कर लेते हैं in order to adopt conveniently on drawing sheet, के वो जो drawing है वो conveniently एक drawing sheet के ऊपर बनी जा सके। तो ये जो suitable proportion है इसको आप scale कहते हैं। If the room is represented by a rectangle of 10 centimeter by 8 centimeter size on the drawing sheet, that means the actual size is reduced by 100 times. तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक ड्राइंग बनाते हैं किसी रूम की, तो आप 10 मीटर बाय 8 मीटर को रिप्लेस कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर से, तो फिर इसका क्या मतलब है कि आपने एक्चुअल साइज को आपने 100 टाइम रिड्यूस कर दिया है।
कि मीटर को आप सेंटीमीटर के अंदर लेके गए हैं, तो आपने 100 टाइम्स इसकी डायमेंशन को रिड्यूस कर दिया है। हाउ टू रिप्रेजेंट स्केल्स, कि स्केल को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी ड्राइंग शीट के ऊपर। तो स्केल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। द प्रोपोर्शन बिटवीन द ड्राइंग एंड द ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज एज फॉलो। वो दो तरीके कौन से हैं? एक आप स्केल डायरेक्टली स्केल लिख सकते हैं, उसके लिए आप नंबर और यूनिट दोनों को यूज करके आप एक स्केल की वैल्यू लिख सकते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर। फर्ज किया जैसे कि आपने पिछली एग्जांपल देखी, आपने 10 मीटर को आपने 10 सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 सेंटीमीटर को अज्यूम कर लिया कि वो उसका एक्चुअल साइज 1 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये आपने स्केल अडॉप्ट कर लिया। तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली नंबर लिखें, साथ ही उसकी यूनिट लिखें। तो आपने जो प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा कौन सा स्केल आपने अडॉप्ट किया था, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर, तो इसी तरह आप स्केल्स को लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 इंच इक्वल्स 1 फीट, 1 फीट इक्वल 1 यार्ड, 1 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर, तो इसी तरह आप स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि आप सेम यूनिट में भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे दो यूनिट डिफरेंट हैं, एक सेंटीमीटर की यूनिट यूज कर रहे हैं, एक मीटर की यूनिट यूज कर रहे हैं, तो आप इस स्केल को आप सेम यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर, बात तो यही है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर, इस तरह भी आप स्केल को लिख सकते हैं, या आप रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्केल आपने पढ़ा स्केल क्या है, रेशियो है। द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग एंड टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये रेशियो है, तो रेशियो की फॉर्म में भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। तो इसी चीज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ कट कर दें, तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर ये कट हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, 1 इक्वल्स 100, तो इक्वल की जगह पे आप रेशियो का साइन पुट कर सकते हैं। तो ये एक मैथमेटिक्स का असूल है। तो इस तरह आप इसको स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो यूनिट की फॉर्म में लिख सकते हैं या आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप अडॉप्ट करके स्केल को किसी ड्राइंग शीट के ऊपर लिख सकते हैं। दूसरा मेथड है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का, कि आप एक RF की वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को आप RF, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है RF कह सकते हैं, तो आप RF की सूरत में भी आप एक ड्राइंग एक स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो कि आप जानते ही हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म कौन सी है, बटा की फॉर्म, तो आप स्केल को आप बटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस 1:100 को आप अगर आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप 1/100 लिखेंगे इसको, तो 1:100 को आप 1/100 भी लिख सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, अब ये 1/100 ये क्या है, लेस देन 1, अब 1/100 क्या होगा, 0.01, तो 0.01 हमेशा ये लेस देन 1 की वैल्यू है। तो दैट इज द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द ड्राइंग एंड द ऑब्जेक्ट। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये भी वही चीज है, रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द ड्राइंग एंड द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट एक रियल चीज है,
उसका साइज, और ड्राइंग उसकी अगर आपने बनाई है पेपर के ऊपर तो उसके साइज की रेशियो जो होगी वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। तो इसका ये फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर, उसी ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग बनाई है उसका साइज क्या है आपका, डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है, इन दोनों की रेशियो को आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस फॉर्म में भी आप स्केल को लिख सकते हैं, वो हमेशा बटा की फॉर्म होगी, जैसे ये रिप्रेजेंट किया गया है आर एफ इज इक्वल टू 1/100। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आप नाउ ट्राई टू कन्वर्ट दिस स्केल 3 by 32 inches equals 1 feet इंटू रिड्यूस्ड फ्रैक्शन। अगर आपने इस स्केल को दिस शुड बी ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर्म, कि ये जो स्केल की फॉर्म है आपने यूनिट में लिखी है इसको आपने आर एफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ट्राई करें इसको आप कन्वर्ट करने की, तो पहले आपने यही चीज लिख दी स्केल की, ये फॉर्म यूनिट फॉर्म में 3 by 32 inches equals 12 inches, कि इसको आपने ये इंच की यूनिट यूज कर रहे हैं इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और इक्वल के राइट हैंड साइड पे ऊपर आप फीट की यूनिट यूज कर रहे हैं। तो पहले आप इन दोनों यूनिट्स को सेम यूनिट के अंदर लेके जाएं, तो 1 feet इक्वल 12 inches, आपने ये एक सेम यूनिट को आपने यूज कर लिया। अब इसको आपने फ्रैक्शन से आपने इसको डेसिमल फॉर्म के ऊपर डेसिमल फॉर्म में लिख लेना है आपने 3 by 22 इक्वल 0.09375 inches इक्वल 12 inches। अब आपने इक्वल के दोनों साइड को आपने 0.09375 से डिवाइड कर देना है। जब आप दोनों साइड को 0.09375 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 inch रह जाएगा, और ये वाली जो चीज आ जाएगी राइट हैंड साइड के ऊपर वो 128 inches रह जाएगी। अब इंच इंच के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये इंच इस इंच के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, इस इक्वल को आप रिप्लेस कर सकते हैं रेशियो के साथ, और इसी तरह रेशियो को भी आप बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 by 128 inches। तो पहले आपने एक सिंपल 1 centimeter equals 1 meter को आपने RF की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब आपने इंचेस को, इंचेस की यूनिट है 3 by 32 inch equals 1 feet को आपने RF की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स के टाइप्स ऑफ स्केल अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन। ये कितने इकसाम के स्केल हैं प्रोपोर्शन के लिहाज से, कि साइज प्रोपोर्शन या रेशो के लिहाज से स्केल्स की कितनी टाइप्स हैं। तो पहली टाइप है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल नाम से ही जाहिर है कि आप किसी चीज को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। When the dimensions on the drawing are smaller than actual dimensions of the object, it is represented by the scale and RF as, ये इसकी एग्जाम्पल क्यों है कि अगर आपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसे आपने पेपर के ऊपर रिड्यूस कर दिया है तो वो जो स्केल होगा वो कौन सा होगा, रिड्यूसिंग स्केल। तो रिड्यूसिंग स्केल को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 centimeter equals 100 centimeter। तो जो स्केल की जो पहली यूनिट होगी ये लेंथ होगी शीट के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर जो लेंथ होगी उसे आप पहले रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इक्वल एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि साइज ऑन ऑब्जेक्ट इज 1 एंड एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 100 1:100। या आप तीसरी फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर्म में 1/100। तो 1/100 हमेशा लेस देन 1 होगा, तो
वो स्केल होगा रिड्यूसिंग स्केल। तो रिड्यूसिंग स्केल ऐसा स्केल होगा जिसमें आप हमेशा ऑब्जेक्ट को छोटा करके ड्राइंग शीट के ऊपर बनाते हैं। दूसरी टाइप है स्केल की फुल स्केल। फुल स्केल का मतलब है कि जो एक्चुअल साइज है ऑब्जेक्ट का, उसी साइज की ड्राइंग उसकी आप शीट के ऊपर बना दें, दोनों के साइज के अंदर कोई फर्क ना हो, तो ऐसे स्केल को आप फुल स्केल कहेंगे। समटाइम्स द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अडॉप्टेड ऑन द ड्राइंग, देन इन दैट केस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्केल एंड आर एफ एल। अगर आपने सेम डायमेंशन को अडॉप्ट कर लिया ड्राइंग के ऊपर, तो फिर आप उसको कैसे स्केल के अंदर लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, कि साइज ऑन द ड्राइंग इज 1 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर। या आप 1:1 की फॉर्म में लिख सकते हैं कि दोनों डिजिट्स इक्वल हैं, या आप आर एफ इक्वल 1/1 इक्वल टू 1। अगर आर एफ की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे स्केल को आप फुल स्केल कहेंगे, अगर आर एफ की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो आप उसे रिड्यूसिंग स्केल कहेंगे, अगर आर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो आप उसे एनलार्जिंग स्केल कहेंगे। तो एनलार्जिंग स्केल क्या चीज है? एनलार्जिंग स्केल ऐसे स्केल को कहते हैं जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को, रियल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके शो कर दिया है, किसी ड्राइंग के ऊपर आपने उसे एनलार्ज करके शो कर दिया, ऐसे स्केल को आप एनलार्जिंग स्केल कहेंगे। जैसे आप पहले भी बायो बायो में बनाते रहे हैं, किसी सेल की डायग्राम बनाते रहे हैं, किसी वायरस बैक्टीरिया इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी आप बायो में डायग्राम बनाते रहे हैं, तो वो कौन से स्केल में आप बनाते रहे हैं? एनलार्जिंग स्केल के ऊपर। तो एनलार्जिंग स्केल को आप कब अडॉप्ट करते हैं? इन सम केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट आर वेरी स्मॉल, लाइक इनसाइड पार्ट्स ऑफ ए रिस्ट वॉच, कि एक घड़ी है उसके इंटरनल पार्ट्स को आपने ड्राइंग के ऊपर शो करना है, वो तो बड़े छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो आपने उसको ड्राइंग के ऊपर कैसे शो करेंगे? तो ड्राइंग के ऊपर आपने उन पार्ट्स को बड़ा करके शो करना है, तो ऐसी सूरत में आपको एनलार्जिंग स्केल की जरूरत पड़ती है। The dimensions adopted on the drawing will be bigger than the actual dimensions of the object. Then, in that case, it is represented by scale and RF as. तो उस सूरत में आप कैसे इसको स्केल की वैल्यू लिखेंगे? तो उसमें उस सूरत में आप इस तरह इसकी स्केल की वैल्यू लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। साइज ऑन ड्राइंग इज 10 सेंटीमीटर एंड एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर। या इसे आप 10:1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या आर एफ इक्वल 10/1। 10/1 का मतलब, 10/1 का मतलब क्या होगा? 10 आर एफ इज इक्वल 10। तो 10 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, 10 को आप की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो जो भी वैल्यू, अगर आर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उसे आप स्केल को आप कहेंगे एनलार्जिंग स्केल। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, एक सीएन टावर है, एक आइफल टावर है, इसी तरह एक वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक, या एक पैरामिड है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि एक्चुअल, उनकी जो एक्चुअल साइज है बहुत बड़े हैं, तो उनको आप पेपर में ड्रा करने के लिए आपको रिड्यूसिंग स्केल की जरूरत पड़ती है। तो इस पेपर के ऊपर आपने ये इन ऑब्जेक्ट की डायग्राम बनाई है, तो ये आपने रिड्यूसिंग स्केल की मदद से अपने डायग्राम बनाएंगे इसके ऊपर। अब कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, एक एक स्क्रू है, मैकेनिकल का पार्ट है, किसी मशीन का पार्ट है, तो इस मशीन के पार्ट को आप, इसका जो एक्चुअल साइज है उसी साइज की आप यहाँ पे ड्राइंग भी बना सकते हैं, फिर उनके साइजेस आप लेबल भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन जो के स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, तो उन्हें आप फुल स्केल ड्राइंग के ऊपर भी ड्रा कर किया जा सकता है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये स्क्रू है, ये जो इस स्क्रू से इसका साइज छोटा है,
इसके अलावा आपने इस स्क्रू के इंटरनल डिटेल्स जो है ना आपने वाजे करनी है, जैसे थ्रेड्स हैं, इसकी जो चूड़ियां हैं, ये चूड़ियां हैं, इनकी डिटेल्स आपने कैसे देंगे। तो इन ये बड़ी माइन्यूट सी डिटेल्स हैं, बड़ी मतलब कि इसका साइज बड़ा छोटा है, तो इसको ड्राइंग पे बनाने के लिए आप एनलार्जिंग स्केल को यूज करते हैं कि इसकी जो एक्चुअल साइज है उसको आप बढ़ा के ड्राइंग के ऊपर ड्रा करते हैं, तो इसलिए एनलार्जिंग स्केल की जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल्स। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपने पढ़ा था स्केल कार्ड्स भी आपके पास मौजूद होते हैं ड्राइंग बनाते वक्त, तो नॉर्मली जितने जो इस्तेमाल होने वाले स्केल्स हैं उसके कार्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी डायमेंशंस आ जाती हैं आपके पास कि उनके आपके पास स्केल कार्ड के अंदर ऑप्शन नहीं होता कि कौन सा स्केल हम अडॉप्ट करें, तो उसके लिए आपको ड्राइंग बनाने के लिए खुद से स्केल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो अभी टॉपिक देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, कि स्केल को आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है या कितने टाइप के स्केल आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो नेसेसिटी, क्यों जरूरत पेश आती है कंस्ट्रक्शन की, व्हेन एन अनयूजुअल प्रोपोर्शन, कि अनयूजुअल प्रोपोर्शन इज टू बी अडॉप्टेड, कि अनयूजुअल प्रोपोर्शन आपको चाहिए लेकिन उसकी उसके कार्ड या उसका स्केल आपके पास रेडिली अवेलेबल नहीं है। एंड व्हेन द रेडीमेड स्केल आर नॉट अवेलेबल, अब लाजमी नहीं कि आपके पास हर वक्त स्केल कार्ड भी मौजूद हों, तो देन द रिक्वायर्ड स्केल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द ड्राइंग शीट इटसेल्फ। तो तब आप ड्राइंग शीट के ऊपर ड्राइंग बनाने से पहले आप स्केल पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद फिर ड्राइंग आप बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट। तो दो सूरतें हैं, अगर आपके पास अनयूजुअल प्रोपोर्शन आ गया उसका स्केल कार्ड अवेलेबल नहीं है, या आपके पास स्केल कार्ड सीधे से अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको स्केल की कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। स्केल आपको ड्राइंग शीट के ऊपर पहले बनाना पड़ेंगे, तब आप ड्राइंग बनानी शुरू करेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल, अगर आपने कितनी लंबाई का आपने स्केल बनाना है, तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि आपके पास आर एफ मौजूद होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मौजूद होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर। अगर आपने सेंटीमीटर्स में लाइन लगानी है तो आप उस स्केल के आर एफ को आपने मैक्सिमम लेंथ जो कि आपके पास चाहिए कि कितनी लेंथ आपने स्केल के ऊपर मेजर करनी है, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी लेंथ इन सेंटीमीटर। फिर इस लेंथ को आप डिवाइड करके आप दो तरह के स्केल बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्केल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से आपके पास दो तरह के स्केल अवेलेबल होते हैं, प्लेन स्केल होता है और डायगनल स्केल होता है। तो लेंथ ऑफ स्केल आपने मालूम कर ली इस फार्मूले से, इसके बाद आप प्लेन स्केल भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और डायगनल स्केल भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेन स्केल क्या है। On a plane scale, it is possible to read two dimensions directly, such as unit and tenth. के plane scale के ऊपर हम दो dimensions directly पढ़ सकते हैं, एक है unit और दूसरा है unit का दसवां हिस्सा। अब ये देखते हैं, एक नीचे scale की एक आपको picture भी नजर आ रही है, तो ये scale बना हुआ है 4 मीटर, इसके ऊपर आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। ये देखें 0, 0 से 1, 2, 3, 4, 4 मीटर आप इसके ऊपर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर ये हैं 4 यूनिट्स, 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट्स हैं इसके ऊपर। तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली यूनिट पढ़ सकते हैं और टेंथ, इसी यूनिट का आप दसवां हिस्सा भी इस स्केल के ऊपर पढ़ सकते हैं। अब आपने एक यूनिट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर आपने एलोकेट की और उस यूनिट को आपने मजीद सब डिवाइड कर दिया। अब आपने इस यूनिट को मजीद 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर ये मीटर थे तो आपने 10
या 10 डेकामीटर्स में इसको, डेकामीटर्स में आपने इसकी सब डिवीजन कर ली, तो 10 डेकामीटर्स मेड 1 मीटर, तो आपने 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से जो आपके पास स्केल मिला है वो प्लेन स्केल होगा। तो अगर आपने 3.4 मीटर्स की आपको डायमेंशन चाहिए तो इस स्केल के ऊपर आप कैसे मेजर करेंगे, तो 3 मीटर्स आपने डायरेक्ट प्लेन स्केल के जो ये वाला पार्ट है इनसे पढ़ लें, 1, 2, 3, 3 यूनिट्स 3 मीटर, एंड 0.4 मीटर आपने इस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जाना है, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। अब 0.4 से लेकर 3 तक जो डिस्टेंस होगा वो रिप्रेजेंट करता है 3.4 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आगे चलते हैं डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल क्या है? डायगोनल आपको पता है कि एक स्क्वायर के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक अगर आप कोई लाइन खींच दे तो उसको आप डायगोनल कहते हैं। तो ये डायगोनल भी उसी डायगोनल के साथ रिजेंबल करता है, इसलिए इसका नाम डायगोनल स्केल कहते हैं, कहा जाता है। अब पढ़ते हैं ये क्या चीज है। इन प्लेन स्केल ओनली यूनिट एंड टेंथ्स कैन बी शोन, वेयर एज इन डायगोनल स्केल इट इज पॉसिबल टू शो यूनिट्स टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। के प्लेन स्केल के ऊपर आप सिर्फ यूनिट आप मेजर कर सकते थे या यूनिट का दसवां हिस्सा, तो डायगोनल स्केल के ऊपर आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं, आप यूनिट भी मेजर कर सकते हैं, आप उसका दसवां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं और उसका सौवां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं आप। तो डायगोनल स्केल बेसिकली आपने बहुत ही फाइन मेजरमेंट्स लेनी है आपकी किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए डायगोनल स्केल इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आपने डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यूनिट एंड टेंथ्स आर शोन इन द सेम मैनर एज इन प्लेन स्केल। जैसे कि प्लेन स्केल में आपने देखा कि यूनिट, ये यूनिट और ये जो टेंथ्स है, ये डायगोनल स्केल में भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके जो हंड्रेड्स पार्ट्स हैं या सौवां हिस्सा है वो कैसे शो करेंगे, उसके लिए आप प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज यूज। तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल को यूज करते हुए आप उसके 100 पार्ट्स को मेजर कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या है? ये एक आपके पास एक लाइन है, एक पार्ट है, एक लाइन है ए बी। अब इस ए बी लाइन को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये लाइन बड़ी स्मॉल है, किसी कोई लाइन हो ना लार्ज साइज की, जैसे ये लाइन मैं अभी ड्रा करने लगा हूं, अगर तो लाइन होती ना ये यहां से लेके यहां तक, तो उसको 10 हिस्सों में तकसीम करना बड़ा इजी है। अब ये लाइन है छोटी सी यहां से लेके यहां तक, तो इसको हम अब 10 हिस्सों में सब डिवाइड करना, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक हम तरीकाकार अपनाते हैं कि इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन लगा देते हैं, ये लाइन। कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपने ए से लेके सी तक लगा ली, ये लाइन, तो इस लाइन के ऊपर आपने 10 पार्ट को, इस लाइन को आपने 10 हिस्सों में सब डिवाइड कर देना है। ये पहले एक छोटी लाइन थी, तो अब आपने इससे ज्यादा साइज की लाइन लगानी है और इसको आपने 10 पार्ट्स में सब डिवाइड कर देना है। अब सी से लेके बी तक आपने एक और मजीद लाइन लगा लेनी है और ये एक आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। अब 10 हिस्सों में तकसीम कर लिया आपने और
हर पार्ट के पार्ट से आपने एक एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करनी है। जैसे वन से आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की, ये ड्रा कर दी। टू से आपने हॉरिजेंटल लाइन ये ड्रा कर दी। थ्री से आपने हॉरिजेंटल लाइन ये ड्रा कर दी। फोर्थ पार्ट से आपने हॉरिजेंटल लाइन ये ड्रा कर दी। फिफ्थ सब डिवीजन से आपने हॉरिजेंटल लाइन ये ड्रा कर ली। सिमिलरली आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते रहेंगे। अब इस तरह हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करने से आपके पास 10 जो है ना, ये सिमिलर ट्राइंगल आपको मिल जाती है। सब पहले आपके पास डिवीजन से पहले आपके पास ट्राइंगल ए बी और सी ये मौजूद थी। अब आपके पास ट्राइंगल सी वन वन ये मौजूद है एक, फिर सी टू टू ये दूसरी ट्राइंगल है, सी थ्री थ्री ये थर्ड ट्राइंगल है, और ये सिमिलर ट्राइंगल है और ये सेम प्रोपोर्शन से बढ़ती जाती है। अब वन वन क्या है? यही ए बी लाइन का दसवां हिस्सा है, ये उसका वन बाय टेंथ पार्ट है। वन वन क्या है? वन टेंथ पार्ट। टू टू क्या है? टू टेंथ पार्ट। थ्री थ्री क्या है? थ्री टेंथ पार्ट। सिमिलरली सिक्स सिक्स जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो सिक्स टेंथ पार्ट है। कि इसी लाइन का अगर आप 10 हिस्सों में तकसीम कर ले तो उसमें 6 हिस्से इस 6-6 लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो इसी तरह ये जो लाइन है ये 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर सब डिवाइड हो गई। अब ये एक स्केल बना हुआ है यहाँ पे, इसमें ये कह रहा है कि 62.6 मीटर को आप इस स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे जो सब डिवीजन हुई है वो है 10, 20, 30 के 10-10 मीटर की एक डिवीजन है। तो अब 10-10 मीटर की डिवीजन है तो 6 डिवीजन आप इनको काउंट करेंगे तो आपके पास 60 मीटर बन जाएंगे। तो 6 डिवीजन देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 डिवीजन से आपके पास 60 मीटर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो फिगर आपको चाहिए वो 2 मीटर की है। अब हर 10 मीटर को उन्होंने फिर 10 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया प्लेन स्केल की तरह, कि लेफ्ट हैंड अब 2 मीटर आपको चाहिए तो आप लेफ्ट हैंड के ऊपर 1 और 2 टू डिवीजन पे चले जाएं। अब 0.6 आपको चाहिए मीटर, तो 0.6 मीटर के लिए आप फिर ये 2 पे चले गए थे, 0.6 के लिए आप जाएंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। अब ये जो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है 62.6 मीटर को। और ये जो सब डिवीजन है ये भी आपको लिखी हुई यहां पे नजर आ रही है कि ये 0 मीटर है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो इस तरह जो आपके पास डायगोनल स्केल है उससे आप हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर आप 2 यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं और वर्टिकल प्लेन के ऊपर भी, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आप 3rd यूनिट को मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने स्केल का टॉपिक बड़े अच्छे से सुना है और इसको समझा भी है और आपको इसकी समझ भी आई है। तो एक दफ़ा नहीं समझ आई तो आप इस वीडियो को दोबारा चलाएं, दोबारा रन करें, इसको नोट करें, इसके मेन पॉइंट जो है वो नोट करें, तो तब आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।